भोपाल में कांग्रेस की मीडिया विभाग के अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि हमारे एड पर रोक लगाए जाने के मामले में अपील कर आज सुनवाई हुई है। इसमें एड में कुछ बदलाव करने के निर्देश हमें निर्वाचन आयोग ने दिए हैं, जिसे हम जल्द ही करके फिर से निर्वाचन आयोग में एड प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर ही सवाल उठाते हुए कहा कि ये जुमलों का मैनिफेस्टो है। इस दौरान कांग्रेस की मीडिया विभाग के अध्यक्ष शोभा ओझा से हमारे संवाददाता आकाश सेन ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग के अध्यक्ष शोभा ओझा जी हमारे साथ हैं। मैम, चुनाव आयोग आए थे, क्या कहा? देखिए, चुनाव आयोग आज अपील पे हम आए थे और अपील के बाद आज सुनवाई थी हमारी, और जो हमारे एड रिजेक्ट हुए थे उनको लेके आज हियरिंग पे आए थे। चुनाव आयोग ने हमें सुना, कुछ एक दो शब्द पे उनका ऑब्जेक्शन था, वो शब्द हम हटाएंगे और उसके साथ कल पुनः हम बना के अपना नए सिरे से देंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि कल हमारे तमाम ऐड क्लियर हो जाएंगे। मैम, इसके अलावा बात करें तो बीजेपी का मैनिफेस्टो आज जारी हो चुका है, 75 संकल्प लेकर जनता के बीच में आया, किस दृष्टिकोण से देखें? देखिए, संकल्प शब्द एक मजाक है देश के साथ। जुमला ही इनके संकल्प पत्र का असली नाम जुमला पत्र है, क्योंकि पिछले 2014 में जो उन्होंने जुमले दिए थे, काला धन लाने की बात करी थी, 15 लाख मुफ्त में बांटने की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, महंगाई कम करने की बात करी थी, अच्छे दिन लाने की बात करी थी, किसान हो, युवा हो, महिला हो, तमाम केवल इनके जुमलों से पेट भरते रहे पिछले 5 साल। और अब जब 2019 का चुनाव है तो ये संकल्प पत्र कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो को, ये तो बहुत बड़ा मजाक है और जुमला पत्र ही है ये। 5 साल की तो रिपोर्ट ये दें कि तमाम जो इन्होंने वादे किए थे 2014 में उनका क्या हुआ, उसका पहला जवाब ये देश को दे, उसके बाद अपने अगले वचन जिसे कह रहे हैं ये अगले जुमले जनता को दे। आखिरी सवाल, राम मंदिर को लेकर भी काफी सारी चीजें कही गई, इसके अलावा 370 धारा और 35A को हटाने की बात भी। देखिए, 370 धारा पे तो न जाने कितने साल से ये चुनाव लड़ रहे हैं, और केंद्र में इनकी सरकार थी, महबूबा के साथ इन्होंने सरकार जम्मू कश्मीर में बनाई थी, क्या हुआ? ये केवल लोगों को गुमराह करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, जुमले देते रहते हैं, हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मंदिर की बात भी सालों से ये करते आए हैं, क्या पहले कहते थे आप हमें केंद्र में सरकार बनाइए तो मंदिर बनाएंगे, फिर कहते थे नहीं केंद्र और यूपी में सरकार बनाइए तो बनाएंगे, फिर कहते थे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दें तो बनाएंगे, तो ये तो इस तरह के जुमलों से देश का दिल दहलाते कई सालों से आए।